विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज एसपी ने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली है। देहात क्षेत्र में बचेंगे और शहरी क्षेत्र में इनके अलावा मतलब दो कर्मचारी डायरेक्टरेट में, एक सीसीडीएनएस में और एक मुंशी, एक अवंती आपके पास बचे। शेष सारे जो है उनकी सबकी नामजद ड्यूटी लग जाएगी। चुनाव के लिए लगेगी, दो दिन के लिए लगेगी, ज्यादा लंबी नहीं लगेगी, परंतु ड्यूटी लग जाएगी। ये कोतवाली सिविल लाइन पासोरा शहर, इनमें एक एक चार है, बाकी सब में एक चार। तो ये थानों को अपने अधिकारी जो आपको कर्मचारी बचाने हैं उनका नाम आप लिख दीजिए, शेष सबके नाम जब ड्यूटी लग जाए। जिस हिसाब से मतदान केंद्रों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए ये जरूर भेज दें, ये 3 दिन में भेज ताकि हम फिर उसको निर्धारित कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्टर पे किसको रखना चाहते हैं, सीसीपीएनएस पे कौन रखना चाहते हैं। जो सीसीपीएनएस पे रहेगा वो जनरल ड्यूटी भी करेगा। अब इतनी ज्यादा लग्जरी अलाउड नहीं रहेगी कि उस दिन वो मुंशी का काम नहीं करेगा, वो खाली सीसी, एक एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई रोक सकते हैं, इसके अलावा नहीं रोक सकते। तो आप चौकी प्रभारी का नाम भेजिए, जो अधिकृत चौकियां हैं वहां पे चौकी प्रभारी का नाम पूर्व और रात के लिए भेजिए।